ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। त्रिकुटा के तप ने एक किया तीनों ही आयाम, दर्शन देने आए भगवान विष्णु बनके प्रभु श्री राम। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, आज से संसार आपको पुकारेगा वैष्णवी। वैष्णवी, सीता मेरी धर्म पत्नी है, मैं किसी और को नहीं अपना सकता। और पृथ्वी लोक पर आपका काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये हमारे मिलन का सही समय नहीं है। उत्तर दिशा की पर्वतमाला पर जाकर कलयुग के आगमन तक तपस्या करें, तब मैं लौटूंगा और हमारा मिलन होगा। वैष्णवी का तेज पूरे पृथ्वी लोक पर छाया, जिसका कारण जानने गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ वहां पर आया। उनके तप के तेज त्याग से हुआ बड़ा वो अचंभित, किंतु वैष्णवी की सुंदरता पर भैरवनाथ हो गया मोहित। दूर रहो भैरव मुझसे, मैं नहीं तुम्हारा भाग्य, एकमात्र प्रभु विष्णु है मेरे प्रेम, मेरे आराध्य। पर्वत की गुफा में, लेकिन माना ना मूंद, इसलिए उसे मृत्यु दंड देने वैष्णवी ने लिया महाकाली का रूप। लज्जा से भरा आया, क्षमा मांगते हुए बहुत रोया, बहुत पछताया। क्षमा करती हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा मंदिर भी यहां बनेगा, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा दर्शन भी पूर्ण ना होगा। गुफा में लौटकर वैष्णवी ने तीन सिरों के साथ पिंडियों का रूप लिया, अपने आराध्य भगवान को पाने के लिए कलयुग के इंतजार में वैष्णवी ने फिर से तप किया।
यही पवित्र गुफा माता वैष्णो देवी का दरबार कहलाता है, जहां लाखों श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं जब माता का बुलावा आता है।